हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे हीरो की न्यू रिलायंस एक्सट्रीम 125R, जो कि दोस्तों ये कड़ी टक्कर देने आ रही है बजाज पल्सर NS 120 को, TVS राइडर 120 को। देख सकते हैं अभी ये हमारे दोस्त ने न्यू निकाली है, तो मैंने उसे बोला था कि भाई बाइक लेके आ जाओ, कुछ रिव्यू लेना है, देखना है इसे। तो दोस्तों वाकई में बाइक देखने में तो बहुत ही शानदार दोस्तों आए, और इसका लुक भी बहुत ही गजब आ रहा है। क्या ये पल्सर NS और राइडर को टक्कर दे पाती है, यह आप लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएगा। तब तक इस बाइक के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये है इसका मीटर, आप देख सकते हैं पहले इसमें आता था एनालॉग, अब फुल डिजिटल कर दिया गया है। और आपको इसकी जो है अब हम साउंड भी सुनाएंगे दोस्तों। पहले आप लोग इसकी साउंड सुनिए कि इसकी साउंड जो है किस तरह की आ रही है। तो आप लोग ये साउंड सुनिए दोस्तों। एक्सीलेटर लिया हल्को और ले थोड़ा आपने साउंड तो इसकी सुनी होगी दोस्तों, ज़्यादा लाउड नहीं है फिलहाल, जो है बहुत ही स्पोर्टिव टाइप की साउंड है। एक्सीलेटर रहने पे ज़्यादा मतलब लाउड नहीं हो रही है दोस्तों। तो इसके बाद हम आप बात करते हैं इसके इंजन पर। तो इसका दोस्तों इसका इंजन स्प्रिंट EBT में आता है। इसका इंजन 124.7 CC का होता है, एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन होता है। मैक्सिमम पावर 11.55 PSI 8,250 RPM पे, और इसका मैक्सिमम टार्क जो होता है 10.5 Nm 6,000 RPM पे दोस्तों होता है। तो आप लोग देख बात करते हैं इसके रियर ब्रेक की। तो दोस्तों ये जो है ड्रम ब्रेक में आता है, और इसका फ्रंट जो है डिस्क में भी आता है, ABS में भी आता है, सिंगल चैनल ABS में भी आता है। फिलहाल दोस्तों इसमें एक मुझे यूनिक चीज़ लगी है, आप देख सकते हैं कि अभी तक का ड्रम ब्रेक में जो है मतलब ऑयल से मतलब चलने वाला जो है अभी तक तो पहली बार ही मैं देख रहा हूं कि इसमें जो है ड्रम ब्रेक हैं, ना कि मतलब डिस्क हैं। आप लोग देख सकते हैं, और इसमें जो है ऑयल का सिस्टम कुछ बनाया है हीरो ने, ये किसी बाइक में अभी तक मैंने नहीं देखा है। पहली ये बाइक है जिसमें जो ड्रम ब्रेक में भी जो है मतलब ऑयल ब्रेक ऑयल पड़ता हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पीछे जो है साड़ी गार्ड किस तरह से लगा है, ये इसकी हेडलाइट आ रही है दोस्तों, और बैक से लुक आ रहा है। उसका फ्रंट टैंक जो है 10 लीटर का होता है दोस्तों, और इसकी जो साकर ये सस्पेंशन ये मुझे काफ़ी अदर बाइक से भी हैवी थोड़ी लगी है। तो इसका एक रहते हैं दोस्तों राइट थोड़ा सा, ये दोस्त है जो हमारा लेके आ रहा है, ये देख रहा था भाई चला के, तो मैंने कहा चला के देख लो भाई, कोई बात नहीं है। इनके पास CB 125 है, ये दोस्तों देख सकते हैं आप दोनों बाइकें यहाँ पे खड़ी हुई। मुझे तो फिलहाल वो 2.5 लाख की और ये 21-22 की है बाइक, फिलहाल तो काफ़ी अच्छी लुक दोनों का काफ़ी शानदार ही आ रहा है। फिलहाल इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी इसका देते हैं थोड़ा टेस्ट राइड, भाई साथ में लेंगे तो आप लोग देखिए इसका क्या एक्सीलरेशन आता है। आप लोग अभी भाई ले गए, अभी मैं लेके चल रहा हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं बाइक बहुत ही स्मूथ खींच रही है, ना वाइब्रेशन कुछ हो रहा है, ना तो कुछ मुझे इसमें जो है पावर की कमी महसूस हो रही है। भाई एक्सट्रीम इसके लिए तो मानी जाती है कि इनिशियल तो भाई बहुत ही गजब होता है इसका, और बहुत ही अच्छी स्मूथनेस और बहुत ही अच्छी चल रही है बाइक दोस्तों। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो मैं यही राय दूँगा कि दोस्तों आप इस पर जाइए, बेखौफ होकर जाइए। बाइक अभी तो सही है, अभी इसका रिव्यू 1 महीने के बाद भी बनाएंगे, क्या रिजल्ट आता है। तो आप लोग 1 महीने तक रुक भी सकते हैं, फिलहाल बाइक लेने वाले को तसल्ली नहीं होती है दोस्तों, आप लोग जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बाइक है, आप लोग ले सकते हैं इस बाइक को, बहुत ही अच्छी है। माइलेज भी इसका जो है 66 किलोमीटर प्रति लीटर जो है कंपनी क्लेम करके दे रही है। फिलहाल दोस्तों मुझे उम्मीद है कि 55 का तो आराम से दे देगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि हमारा जो हौसला बढ़ता रहे, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें एक अच्छी अच्छी बाइक के। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर।